घर में देखो कान तो बंद नहीं है तो आना तो पड़ेगा। दीदी बोल रहे ना कम से कम बताया ना हल्का है, ये बताएगा ना हल्का है। पहले इतना चीख चीख के बोलते थे, बताओ आस पड़ोस भी सुन लेते, वो हो जाएगी लड़ाई, हो रही होती तेज लड़ाई हो रही थी। अरे बैठो, अरे नहीं यार इतनी बेइज्जती की बात होती है। बैठो बैठो। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस दीवान। तो आज हम जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, मोनू पे प्रैंक। तो आज एक प्रैंक होने वाला है जिसमें हमारी भाभी और मम्मी मिली हुई है, सारे मिले हुए हैं, बस पापा और मोनू को नहीं पता, मेरे भाई को और दादा को भी नहीं पता, दादाजी को तो पता ही नहीं है। तो अब हम प्रैंक क्या करने वाले हैं तो आपको बाद में पता चलेगा। थोड़ी सी लड़ाई होने वाली है घर में, वीडियो घमासान लड़ाई होगी, वीडियो पूरा देखना दे। मैं कह रही हूँ अगर पता वैसे नहीं पता लगे क्योंकि मार वूर ना दे, बहुत गंदी तरह लड़ाई करने वाले हम। अब उनका रिएक्शन क्या आता है लड़ाई पे तो बाद में पता चलेगा। अभी टाइम कितना हो रहा है, 10:30 हो रहा है। इरिटेट हो रहा मेरे को, कॉल हो रहा है, तो सारा डिपेंड करता है भाभी की एक्टिंग। ये दोनों लड़ने वाले हैं आज बुरी तरह, देखते हैं लोगों का रिएक्शन आता है। हम भी लड़ेंगे साथ में, हम देखते हैं किसका सपोर्ट करेंगे, दोनों को ही सपोर्ट करेंगे हम। बाकी रिएक्शन क्या आएंगे आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। 10:30 हो रहे हैं अभी, ये सपोर्ट और... करेंगे हमेशा की तरह नेगेटिव, तो इसमें भी मैं नेगेटिव हूं। क्या 11 बजे आएंगे हम, कब तक आ रहे हैं? 10:30 हो गए, 10:30 हो रहे हैं तो 11:15 तक वो आ जाएंगे। तो मैं कैमरा लगाऊंगी यहाँ पे मंदिर के ऊपर, फोन ही लगाना पड़ेगा, कैमरा तो है नहीं इस टाइम। तो देखते हैं, चलो थोड़ी देर में मिलते हैं जब आते हैं। और ये देखो युद्ध की पूरी तैयारी चल रही है, युद्ध के बाद पहले गुस्सा करेंगे वो ठंडे में तो करना पड़ेगा। युद्ध के बाद भोजन ठंडा। ओए एक चीज रह गई, जब मैं गया था पापा के पास तो पापा ने बोला था कि चुट्टू को बोलो कि चटनी बना देगी, भूल गया बताना, लाल पता नहीं लाल मिर्च क्या बोल रहे थे, भूल गया, फीकी चटनी बोल रहे थे। तुमको चटनी बनाती है लाल टमाटर की, तो ये युद्ध की तैयारी चल रही है, आरंभ हो गया है, भोजन मिलेगा युद्ध के बाद, बहुत बढ़िया केड़ी बिरयानी और शक प्याज मसाला। ये बालाजी चौक वाली है, बालाजी चौक बिरयानी भूला। चलो तैयार करो बिरयानी भोजन। ये युद्ध की तैयारी करवा रहे, पहले इन्हीं से मालिश करवा रहे फिर इन्हीं से लड़ाई कर रहे हैं। अभी आए नहीं है, अब 11 बज गए, कब तक आएंगे पापा? और तुम आते ही तुम शुरू हो जाओगे, लगाना पड़ेगा उधर। एक के जी की ले तू, अभी सबकी लड़ाई होने वाली है यहाँ पे, तू भी करेगा। इसको देखो महाराज को, अलग ही है, अलग ही है। चलो मैं अपनी बिरयानी बना लूं, ठीक है? मेरे को पट्टा दे, भोजन का इंतजाम करो तुम। अरे वो दो मेरे को पट्टा जिस पे तुम बैठे हो, उधर बैठो। चाय का बना लो, ये लो चाय बन रही है ना, सिमरन चाय बना रही है। इतनी रात को चाय और गरमाइश चाहिए है? बोलेंगे तभी तो मुंह से गर्म गर्म बातें निकलेंगी। दे दो यार जिसमें बैठे हो, मेरा चिकन जल जाएगा। देख वो चू मार रही है, मेरा बाबू है।
चलो मिलते थोड़ी देर में, मेरे को दो ये पट्टा दो। पहले इसकी मालिश हो रही है, ऊपर इनके मालिश हो रही है। उसके ऊपर कौन जाएगा? उसके ऊपर मम्मी तुम चले जाओ, और इससे इसके नीचे बिठा दो पुच्चू को, सॉरी पुच्चू के नीचे बिठा दो इसको, खुशू को, खुशू की मालिश, खुशू की मालिश, खुशू की मालिश, खुशू की मालिश। वो मार खाली खुश खुशी रहती है ये, मतलब कुछ तो मतलब बाबू है। चल दोबारा करो, ऐसा छोड़ा मत करो, से बीच में गुस्सा आ जाए काट फूट लेगा। दे देख देख वो ना क्या है, उसकी करो मारी से बैठ गए, जल्दी कर दे यार फटाफट। पापा नहीं आया यार अभी तक, मेरी अभी बिरयानी बन रही है, ये चाय मैंने बनाई है अभी, चलो चाय पी लो जब तक बिरयानी बन रही है। हेलो क्या हुआ? बोलो तो। कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बस भैया से थोड़ी लड़ाई हो रही थी। कौन सा भैया? मोंटी भैया से। कुछ नहीं है आप आओगे तो बता दूंगी। बता तो सही क्या बात है, तो मौसम है क्या है? ठीक है समझे क्या वो ना बात की, उसको ना इसने भड़का दिया, तो वो कह रहा है ना इसने जैसे कॉल किया ना इसने गुस्से में बोला क्या ऐसे जैसे कॉल था, इसको समझ आ गई कि घर का कोई लड़ाई हुई है, तो बारह कॉल कर पूछ रहा है क्या बात हुई क्या बात। कोई नहीं, आप नॉर्मल भी ऐसे जैसे हो ना, जैसे हंसते हुए ना, जैसे हिंट दिया कि लड़ाई हुई है घर में वो भी इनसे, उसे देख ना। ए, तेरे पापा से लड़ाई हो रही है आज मेरी गोपली। हेलो सो गाइस मोनू की बाइक की क्लच की तार टूट गई है, तो मुझे बुला रहा है, तो जा रहा हूँ। आप पता नहीं उसे बात पता है कि नहीं पता, देखते हैं। चलो बाकी ऊपर सेटअप पूरा है। गाइस मेरे साथ भी पॉपआउट हो गया, मेरी स्कूटी हो गई पंचर। ओए सिमरन, अबे पोपट हो गया यार, मेरे को लग रहा है प्रैंक करना सही नहीं है ये। हैं? मेरे को लग रहा है प्रैंक करना सही नहीं है ये। अरे दो यार, पहले मोनू की बाइक खराब हुई, अब तुम्हारी स्कूटी पंचर हुई, ये तो अचानक हो गई यार। दो दो दो, ए मैं नीचे तो आ जाऊं तो निकालूंगा कैसे? क्यों वो खाए फिर? अरे भाई दो दिमाग, वो दो मिट्टी हाथ और दो ले, तुम्हारी तो बाइक वो खराब हो गई थी ना। क्या हुआ? तुम्हारी तो बाइक तो खराब हो गया था, क्लच खराब हो गया था, क्लच की तार टूट गई थी, दो जगह बरात देख के बाइक मोड़ी, फिर भी जगह टल गई। शिवांशु ने आया था अभी? गली में मिले हो तो फिर वापस आ गए? नहीं मैंने बोल दिया तो आपका बोलिया वापस आ रहे हो आप। तो बाइक कैसे लेके आए? हैं? बाइक कैसे लेके आए? खुदा के चार्टर के पापा को बिठा के भी कर ली थी यार। अब रास्ते में उधर बरात मिली तो मैंने वहां से घुमा के गली 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 लेके आया, देखा तो राजधानी बरात मिली थी। बहुत
बेटा मोटी लाली चटी बना ले। ये मिले हमारे पांच पांच रुपए घर में नहीं थी लाल मिर्च क्या पानी अच्छा ये प्याज बिरयानी किस तरीके से बनाइए खुशु बेटा इतनी चल रही मोदी ने तो पंखा गर्मी गर्मी बोली आज नहीं मौसम करा रही आज छोड़ छोड़ ये बोल गया मैंने ये बोला अरे बाइक ले जानी पड़ेगी ना मेरे को मेरी स्कूटी बन जाओ हां तुझे क्या हुआ बड़े ठीक नहीं है हुआ क्या सांस से क्या 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 हर चीज मजाक लगती है आवेगा तू मेरे बेटा लगता बत्तू क्यों मुझे कुछ नहीं पता है मैं बीमार अब मैं बीमार हूँ अब तेरा जीजा आएगा तो कोई उसकी कोई वही वैल्यू नहीं है घर के अंदर अगर मैं बीमार हूँ तो मतलब लड़ाई करके बैठ जाएगी लड़ाई कर ली है किससे लड़ाई कर ली मेरे से करी और किससे करी क्या होगा इनसे क्या लड़ाई का मतलब हाँ बताओ खाम खाई क्या बात है सर अब मैं आया सूप लेके आया था मैं मेरे को सूप गर्म कर दो मम्मी अंदर की तबीयत खराब है वो खुशमित को संभाले थे भाभी फोन में लगी हुई मैं कहा चलो कर दो नहीं करा अब वो बिरयानी में लगी बहुत देर हो गई सुने ना सब इग्नोर करे जाए इतने मेरे को चीख पे पड़ी तुम पे हाँ क्या भाई ये कोई बात थोड़ी ना होती है तो मैं तो दादाजी को देख रही थी खुशू को देख रही थी आपस में बोलता ही नहीं वो तो चलो मैं तो भाभी का पहली बार ऐसा रूप देखा मेरे को ऐसा बोल रहा उन्होंने क्या पूछो उल्टा बोले देखता आपने पहले बोला तभी तो मैंने बोला तो वही है ना पहले मैंने बोला फिर वही पहले कितना मैंने बोला मैं कितना बोला था सूट गर्म कर दो बस आप इतना मैं काटने लगे बोलने लगे पंखा चला रहा है पंखा भी बंद कर दो ऐसे चला रखा है ना ठीक आ रही है ना मेरे बंद कर दो अब बोल के नहीं दी क्या
अरे नॉर्मल बात हो रही है, बिना फालतू ज्यादा ले रहे हो। तुम तो बोलो कि बिना फालतू लड़ाई करने वाली बात थोड़ी है। तुम बात को बढ़ाओ तो अब बताओ कि किसके गलती थी। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से ठीक नहीं है मेरी तबीयत, तो इसको सोचना चाहिए। चलो पानी तो पूछ लूं, पानी भी मैं अकेले बैठा हूं, मम्मी अंदर है, ये ऊपर है, ये खाने बात समझनी चाहिए पहले। बोलो तुम समझदार हो। मैं तो समझ ही पड़ा था दो तीन घंटे से। हां तो फिर क्यों बोल रहा है? खुश मेरे पास है, मैं दवाई खा के लेटी हूँ, खुश मेरे पास ही है। अगर मैं खुशी को संभाल दे तो उसका फोन जरूर नहीं चलाना। चलो आरजी मैं बुरा नहीं मानता कि तो उल्टा बोलने लगे। मैं पूछा मैं क्या कितना उल्टा बोल रही हूँ। अब बताओ किसको बोलेगा? मुझे मेरी गलती बोलेगा, भाभी की बोलेगा? क्या बोला भैया? चाय बनाई सिमरन ने। मजाक लग रहा है। अब तेरे को पता नहीं, मैं बात बता नहीं सकता, तो मेरे को इतना उल्टा बोला हूँ ना, वो बताएगी ना मम्मी बताएगी। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा, मैं तो तुम्हारी लड़ाई बच जाएगी इसलिए नहीं बोल रहा मैं, इसलिए भाभी से तो बता दो। सामने बैठे क्या बताऊँ, गलती तो आपकी है, बहस आप मेरे से कर रहे थे। मैं तो चलो भाभी भाभी करते थकता नहीं, फिर वही चीज हो जाती है। मैं फिर आना छोड़ दूंगा और क्या होगा। अब मेरे को ऐसे बोलोगे कि तुम डेली आते हो तो फिर मेरे को भी अजीब लगेगा कि हाँ मुझे क्या तुम डेली आते हो। अब तू बता मैं डेली आऊँ या ना हूँ, काम है तो आना पड़ेगा। कम से कम बताया ना हल्के है, ये बताएगा ना हल्के है। तू बता ना हल्के है तू, अब मैं तेरे सुनना चाहता हूँ ना कि चल अब तो चल सब हमेशा लड़ाई। ये आज इतना अच्छे से खेल रही थी मेरे साथ, फिर वही चीज है ना, ये चीज अच्छी नहीं लगी, इतना उल्टा बोला ना, मेरे को पसंद नहीं आया। क्या बोल गया भाभी? रोज रोज आ जाते, वो लग रहा है कि मैं रोज, अगर मैं रोज आ, मैं कितने दिन आता हूँ? 4 दिन ऑफिस में रहता हूँ, 2 दिन के लिए यहाँ आगे, तो चलो आगे तो आगे उतना, फिर उल्टा बोलने लगे। मैं तो किसी ने ये बोला सुन कर बोल दो, अपना समझ के बोला आए अच्छे से। मैंने मालिश भी कराई है भाभी से, कराई है मालिश भी भाभी से कराई है। अब पता नहीं मैंने मालिश कराई तो वैसे होगी। मैं तो वही ना, मैं तो भाभी भाभी करता थकता नहीं। आप देखो बिल्कुल चुप है ना, तुम्हारे सामने चुप है, पहले इतना चीख चीख के बोलते थे, बताओ आस पड़ोस भी सुन ले तो फिर वो हो जाएगी लड़ाई, हो रही है तेज लड़ाई हो रही थी। आप बोलो ना, आपको जो लगे आप बोल दो।
देख गुनगुनाना जा रहा है, खुश रहा है बहुत मुश्किल रहा, अच्छी नहीं लगती ना बेटा थोड़ी है। तो उसको भी कोई वो भी नहीं बोल, वो भी मुंह फुला के बैठी हुई कि मेरी गलती बता दी। चलो भाई मेरी गलती है, वही चीज ना। मैंने इसलिए मैंने फोन पे नहीं करवाया, अब पता नहीं मोनू ने बोला होगा फोन कर, बोला होगा फोन करके बता दिया होगा। नहीं मेरे को तो कुछ नहीं बताया, मतलब बस फोन कर पूछा मोटी मिर्ची ले आऊंगी, हां ले आ जाओ बाबू जी चटनी बना दूंगी। मैंने टमाटर वाले वाले का छोड़ा होगा, मैं तो तुम्हें कह छोड़ दो ना, क्या हो गया तो बता दो फिर। मुझसे बोल दिया ना, छोड़ दो, तुम क्यों बोल रहे हो इतना? क्या बोल दिया, क्या बोल दिया मोटी? नहीं बताया तो ठीक है, मैं तो जा रहा हूं। पूछ लो ना फिर, पूछो बताओ फिर नहीं दिया था, दे देते उसी टाइम कुछ कहता नहीं। तुम आ जाओ एक मिनट छोड़ के, देख उधर भी रखा हुआ है, स्टार्टिंग में तो नहीं रोने वाला, पता नहीं क्या बात हो गई, ये रोने वाला तो थोड़ी देर में रो जाता है, थोड़ी देर में रो जाता। मैं पूछ रहा हूँ क्या बात हो गई, इसलिए ऐसा हो रहा है ना कि कभी ऐसा हुआ नहीं ये मम्मी को डांट, मैं पापा को नहीं कह रहा, नहीं पापा को नहीं बोले बाबू, पापा को यहाँ पे बता दी मम्मी अच्छे लड़ ली थी, अगर बोल सकते बता देती है। क्या क्या बोल रही है? पापा बोल रही है, कुछ बोल रही है, कैसे लड़ी थी मम्मी? अरे मुंह देख उसका, क्या 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 बोल रही है, रुको एक मिनट, क्या बोल रही है भाई, क्या हो गया खुशू, क्या हो गया भाई? मैं अपने दिमाग में उधर मैं बोल नहीं सकती, पूछ रहा हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये और थोड़ी देर रुक जाती ना, मैं और घमासान करता। मैं पता क्या होता, मैं पापा का ना, पापा टेंशन में जा रहे थे, मैं कहीं बात है ना खराब हो जाती है, क्या पापा कह रहे मेरी उतार दी सारी चढ़ी हुई है ना, जैसे बाद में जा रहा था ना, लगा था पढ़ना हो गया, मेरी खुशी ने साथ दिया, वो बच के रही है मेरे से, आई एम अ प्रैंकस्टर ना, बच के रही है बस। ये थोड़ी देर में रो देता, क्या हो गया? तो बता दे कि पीयू ऐसा नहीं बोलते, पूछ रहे बता क्या बात हुई, क्या बात हुई, वो बोल रहे लेकिन तूने पूछी नहीं।